नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गेजेस। हम इंडस्ट्री में प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के गेजेस का यूज़ करते हैं। कितने टाइप के जो गेज होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ पर हम उनका यूज़ करते हैं, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए उसको भी वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी ऐसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आता रहता हूँ। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, बात करते हैं टाइप्स ऑफ गेजेस के बारे में। टाइप्स ऑफ गेजेस में आज हम बात करेंगे, जो डिफरेंट टाइप के गेजेस को हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, वो सारे गेजेस प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए जो गेजेस यूज करते हैं, वो जो वर्कशॉप गेज होते हैं हमारे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो कितने टाइप्स के हैं और उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहला जो गेज है वो है हमारा प्लग गेज। प्लग गेज क्या होता है? प्लग गेज इट इज यूज टू चेक इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कंपोनेंट का इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए हम प्लग गेज का यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्लग गेज हम यूज करते हैं, उसमें से पहला है हमारा प्लेन सिलेंड्रिकल प्लग गेज, जो कि आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का हमारा ये प्लग गेज होता है, जिसमें नो और नोट, गो एंड नोट को दोनों ही, यानी लिमिट गेज में भी हमें ये मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लस देखेंगे, ये भी सेम हमारा इंटरनल डायमीटर्स के लिए, इंटरनल जो अंदरूनी थ्रेड्स जो है हमारा, जैसे कि नट वगैरह में हमें जो थ्रेड होंगी हमारी, उनको चेक करने के लिए हम ये थ्रेड प्लग गेज का यूज करते हैं। दोस्तों गेजेस पे और मैंने इन पे और डीपली अगर जाना चाहते हैं तो इन पर मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उन वीडियो को भी वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ प्लग, जो इंडस्ट्री में जो गेजेस यूज करते हैं प्रोडक्शन, यानी वर्कशॉप गेजेस के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो प्लग गेज है वो टेपर प्लग गेज है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह का हमारा टेपर प्लग गेज होता है, जो भी कभी अगर हमें कोई टेपर होल अगर चेक करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस टेपर प्लग गेज का। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज आप कुछ इस तरह के देखिए, इस तरह का गेज होता है, जैसा कि गो और नोट गो अलग अलग एंडेड में होता है, सेम जो पहले प्लेन प्लग गेज था उसमें। और इसमें क्या है, दोनों ही साइड हमारा एक ही एंड पे होती है, गो एंड नोट गो दोनों ही एक ही एंड पर होती हैं, और इसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज, दोनों अलग अलग लिमिट्स पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिंग गेज। जैसे कि आपने अभी हमने बताया आपको कि ये इस दूसरा जो गेज था उससे हमने इंटरनल डायमीटर चेक किया, अब हम एक्सटर्नल डायमीटर चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें रिंग गेज चाहिए। और रिंग गेज भी हम डिफरेंट टाइप्स के रिंग गेज का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ रिंग गेज में सबसे पहला हमारा प्लेन सिलेंडर रिंग गेज, जो कि देखिए आप कुछ इस तरह का है हमारा। नेक्स्ट हमारा थ्रेड रिंग गेज, कुछ इस तरह का है। नेक्स्ट है हमारा टेपर रिंग गेज। तो ये होते हैं हमारे रिंग गेज। गाइस, आप अपनी नोटबुक ले, कई इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इनको भी नोटबुक में अपनी नोट भी बना सकते हैं। ये हमारा है टेपर रिंग गेज। नेक्स्ट गेज है हमारा स्नैप गेज। स्नैप गेज ये भी एक लिमिट गेज है। इट इज यूज टू चेक आउटसाइड डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का बाहरी डायमीटर चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसा कि पहला है हमारा प्लेन यानी सिंगल एंडेड प्लग गेज, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा डबल एंडेड स्नैप गेज, जो कि आप देखें दोनों साइड इसमें दो एंडेड होते हैं, गो नोट को दोनों साइड अलग अलग होती हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल स्नैप गेज, जो कि आप देख सकते हैं इस टाइप का जो गेज होता है ये एडजस्टेबल स्नैप गेज है। इसमें यहाँ पर हम इसकी लिमिट्स को सेट कर सकते हैं, गो एंड नोट गो, जो हमें चाहिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये है हमारा एडजस्टेबल स्नैप गेज। नेक्स्ट गेज है हमारा फिलर गेज। अब फिलर गेज इज यूज फॉर मेजर गैप टू मैचिंग पार्ट्स। फिलर गेज आर मोस्टली यूज इन इंजीनियरिंग टू मेजर द क्लियरेंस बिटवीन टू पार्ट्स, यानी दो पार्ट्सों के बीच में जब हम कोई फिटिंग है उसके दो पार्ट्सों के बीच का जो क्लियरेंस है उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज का यूज करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के पतली पतली हमारी कुछ स्ट्रिप्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की, इनको हम यूज कर सकते हैं गैप चेक करने के लिए।
नेक्स्ट है रेडियस और फ्लिट गेज। दोस्तों रेडियस गेज को ही हम फ्लिट गेज भी बोलते हैं, जो कि ये जो गेज है रेडियस गेज इज आल्सो नाउन एज अ फ्लिट गेज, यानी रेडियस गेज को ही हम फ्लिट गेज के नाम से भी जानते हैं। रेडियस गेज इज यूज टू चेक इनर और आउटर रेडियस ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा रेडियस गेज है वो आउटर और इनर रेडियस दोनों ही रेडियस को चेक कर सकता है। जैसे यहाँ से इससे देखेंगे हम आउटर रेडियस है और ये इनर रेडियस है, जिससे हम दोनों ही तरह के कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। कुछ आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ से ये इनर रेडियस के लिए, ये आउटर रेडियस के लिए। नेक्स्ट है हमारा थ्रेड गेज। थ्रेड गेज आप देखेंगे, थ्रेड गेज क्या है? आ थ्रेड गेज इज आल्सो नाउन एज आ स्क्रू गेज और स्क्रू पिच गेज, यानी हम थ्रेड गेज को थ्रेड गेज, स्क्रू पिच गेज, स्क्रू गेज, पिच गेज, डिफरेंट टाइप के नामों से हम जानते हैं इसको। एंड इट इज यूज टू चेक थ्रेड पिच ऑफ नट एंड बोल्ट, और ये क्या करता है हमारा, किसी भी जो नट बोल्ट हैं, ब्रिटिश टाइप के हैं या इंचेस बोल्ट हैं, उनकी थ्रेड की जो पिच होती है या फिर टीपीआई है, इनको चेक करते हैं हम इस स्क्रू पिच गेज की हेल्प से। जैसा कि आप देखेंगे इसमें भी स्ट्रिप्स होती है और इसमें यहाँ पर ये थ्रेड बनी हुई होती है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की, इसके जरिए हम इसको चेक कर सकते हैं। आप इस पर भी वीडियो देखना है तो मैं वैसे जो गेजेस दिखा रहा हूँ इन पर सब पे पर्टिकुलर एक एक वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रिल गेज। दोस्तों जो ड्रिल गेज है, ड्रिल गेज इज यूज टू चेक डायमीटर ऑफ ड्रिल। जैसे कई बार हम ड्रिल को यूज करते करते हमारे ड्रिल का जो डायमीटर होता है वो सैंक पे से उसका साइज लिखा होगा वो मिट जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक प्लेट, स्टील की एक प्लेट होती है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के गेज के जो होल कटे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के ड्रिल्स के, तो हम इस प्लेट में होल अपना जो ड्रिल है उसको इसमें फिट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ड्रिल है वो किस साइज का है। ये मीट्रिक में भी होते हैं और इंचेस में भी, दोनों ही साइजेस में ये हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रिल एंगल गेज। अ ड्रिल एंगल गेज यूज टू चेक ड्रिल पॉइंट एंगल। ड्रिल एंगल गेज जो है वो ड्रिल के पॉइंट एंगल को चेक करने के लिए हम ड्रिल एंगल गेज का यूज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। व्हेन वी ग्राइंड पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल इट इज यूज टू चेक इट्स पॉइंट एंगल, यानी ये जो जब हम ड्रिल के पॉइंट को ग्राइंड करते हैं तो उसके जो ड्रिल का जो एंगल होता है, जैसे आप यहाँ इमेज में देखेंगे ये जो पॉइंट एंगल है ड्रिल का, इसको चेक करने के लिए हम ड्रिल एंगल यानी ड्रिल की ग्राइंडिंग के लिए हम ड्रिल एंगल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटर गेज। सेंटर गेज यूज टू चेक पॉइंट एंगल ऑफ थ्रेड कटिंग टूल ड्यूरिंग ग्राइंडिंग टूल बिट सेंटर मेजर पॉइंट एंगल ऑफ टूल्स। जो सेंटर गेज है कुछ आप इस तरह से देखेंगे, ये हम जब टूल्स वगैरह ग्राइंड करते हैं उनका सेंटर लेना है, जैसे जो थ्रेड कटिंग टूल्स होते हैं लेथ मशीन के, उनको ग्राइंड करते हैं तो उनका सेंटर लेते हैं, तो उन सभी चीज़ों सेंटर्स को चेक करने के लिए हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सेंटर्स होते हैं, तो उनको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के सेंटर्स हम चेक कर सकते हैं इस सेंटर गेज की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारा डेप्थ गेज। डेप्थ गेज इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो है हमारा गेज, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसको हम डेप्थ वर्नियर कैलिपर भी बोलते हैं। तो ये हमारा डेप्थ गेज, किसी भी कंपोनेंट की अगर डेप्थ चेक करनी है तो इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लिप गेज। अ स्लिप गेज इज यूज टू इंस्पेक्शन एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज आल्सो यूज टू मेंटेन द हाइट ऑफ अ साइन बार। ये जो स्लिप गेज देखेंगे आप हमारे, स्लिप गेज का एक बॉक्स होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के साइजेस के अलग अलग साइजेस की रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं जिसमें, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं। इसका यूज हम इंस्पेक्शन करने के लिए, कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट्स का करने के लिए, और अगर आप साइन बार को यूज़ करना सीखना चाहते हैं, सीखना है अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको भी आपको साइन बार के लिए भी स्लिप गेज की हेल्प चाहिए। दोस्तों साइन बार के प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ही वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगल गेज ब्लॉक। नेक्स्ट है हमारा एंगल गेज ब्लॉक। एंगल गेज ब्लॉक इज यूज टू चेक द एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल चेक करने के लिए हम ये एंगल गेज ब्लॉक का यूज करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे एंगल ब्लॉक्स होते हैं जिनकी ये बहुत ही एक्यूरेसी में ग्राइंड एंगल जो होते हैं इनके, ये इनकी जो एक्यूरेसी जैसा है जो मिनट्स में, जैसे डिग्री, मिनट्स और सेकेंड, तो इनके जो लीस्ट काउंट है वो सेकेंड्स में आता है हमारा ये लीस्ट काउंट। वायर गेज। नेक्स्ट है हमारा वायर गेज। वायर गेज इज यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ वायर एंड मेजर थिकनेस ऑफ सीट एज वेल। ये जो वायर गेज है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देखेंगे, ये वायर गेज में हम
किसी भी सीट की थिकनेस या फिर वायर की जो थिकनेस होती है, वायर का जो डायमीटर है हमारा, उसको चेक करने के लिए हम वायर गेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेपर गेज। और टेपर गेज आल्सो आल्सो टेपर गेज इज यूज फॉर इंस्पेक्शन ऑफ होल डायमीटर ग्रुप्स, गैप्स, टेपर होल्स, इट्स डायमीटर एट्सेट्रा। जो टेपर गेज है, आप कुछ देखेंगे इस तरह का हमारा ये टेपर गेज होता है। और जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि होल्स के अंदर हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि होल का डायमीटर क्या है, टेपर होल है या कोई भी होल है उसमें हम इसके डायमीटर्स को, गैप, जैसे बीच में कोई गैप है वहाँ पर हमें चेक करना है कि वो गैप की कितनी हाइट है, वो सारा कुछ चेक करने के लिए हम इस तरह के टेपर गेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायल गेज। डायल गेज क्या है? डायल गेज इट इज़ यूज फॉर, ये जो यूज़ इसके डायल गेज के डिफरेंट डिफरेंट यूज है, बहुत सारी जगह हम डायल गेज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेक फ्लैटनेस, रन आउट, सिलेंड्रिसिटी, कंपेयर ऑफ सरफेस, दो सरफेस को कंपेयर करना है, सर्कुलेटरी चेक, वेरिएशंस, दो कंपोनेंट या सिंगल जो पीस है, वर्क पीस है उस पर क्या वेरिएशंस आ रही हैं, उन सभी को चेक करने के लिए हम डायल गेज का यूज़ करते हैं। डायल गेज है दोस्तों जो दो प्रकार के हम अलग अलग टाइप से यूज़ करते हैं। जैसा पहला है आपका प्लंजर टाइप, इस इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लंजर टाइप है। इसमें जो ये यहाँ पर कोई भी लोड अप्लाई करते हैं तो इसमें एक प्लंजर लगा होता है जिसका, जो कि नीडल्स पे कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा लीवर टाइप। लीवर टाइप में क्या होता है? लीवर टाइप में यहाँ पर ये प्लंजर की जगह यहाँ पर पॉइंटर जो है इसका, ये लीवर से कनेक्ट होता है और लीवर के जरिए हमारी ये निडल रिफ्लेक्ट करती है। तो ये है दो टाइप्स के अलग अलग हमारे डायल गेज। नेक्स्ट है टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज आर इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ आ बोर होल स्लॉट एक्सेट्रा। ये टेलीस्कोपिक गेज जो दोस्तों ये है क्या है, हमारा इंटरनल डायमीटर जो बोर होल्स होते हैं उनको चेक करने के लिए यूज करते हैं। और ये कुछ इस तरह के दिखते हैं और ये एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है क्योंकि हम इससे कोई डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलती। जो भी रीडिंग कैच करेंगे उसके बाद हमें इसके साथ एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वर्नियर या माइक्रोमीटर कुछ इट्सेट्रा, तो उसके जरिए हम फिर कोई भी जो डायमेंशन है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये है टेलीस्कोपिक गेज जिससे हम किसी भी होल, बोर होल, स्लॉट्स, इट्सेट्रा, ये सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोर गेज। जैसा कि आपने देखा पहले टेलीस्कोपिक गेज हमने यूज़ किया, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए अभी कोई सिलेंडर है, पिस्टन, पिस्टन जो इसमें मूव करते हैं इंजन के सिलेंडर्स वगैरह का अगर है, तो अगर हमें बोर वगैरह चेक करना है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ चेक करना है तो उसके लिए हम बोर गेज का यूज़ करते हैं, जो कि डीप होल्स को चेक करने के लिए हम, जैसा कि आप इस इमेज में यहाँ पर देख रखे, यहाँ से हम इसको डायल के साथ, हमें यहाँ पर ये बोर गेज के साथ ये डायल भी कनेक्ट होगा और उसके साथ फिर हम रीडिंग लेंगे। ये बहुत ही एक्यूरेसी का इंस्ट्रूमेंट है, आप अगर सीखना चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेल्ड गेज। दोस्तों वेल्ड गेज क्या है? वेल्डिंग गेज आर इंस्पेक्शन गेज यूज टू चेकिंग अलाइनमेंट, चेकिंग डायमेंशन ऑफ वेल्डिंग बीड्स, वेरीफाई वेल्ड डायमेंशन एटसेट्रा। जो ये वेल्डिंग गेज है कुछ इस तरह का दोस्तों दिखाई देता है हमारा, दिखता है देखने में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। और ये हमारी वेल्डिंग बीड्स है, वेल्डिंग की थिकनेस है, बील की डायमेंशंस वगैरह, वेरिएशन जो वेल्ड की डायमेंशंस है उन सभी को वेरीफाई करने के लिए हम वेल्डिंग गेज का यूज करते हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट गेज जो हम अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। सो गाइज, आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।